भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। यादव डेयरी फार्म रेगुलर रूटीन से अच्छी क्वालिटी का पशुधन दिखाने के प्रयास में आप भाइयों के लिए रेगुलर हम वीडियोस लेके आ रहे हैं। वो चाहे साधारण किसान एक पशुधन रखने वाला हो, या फिर हम बात करें जो व्यापारिक वर्ग है, जो आज आप भाइयों के लिए एक से एक शानदार पशु एक साथ प्रोवाइड करवा रहे हैं। और अदर स्टेट जो बायर्स की डिमांड है, अगर उसको पूरा कोई कर सकता है तो वो व्यापारिक वर्ग है। किसानों के घरों से अच्छे अच्छे पशुओं का सिलेक्शन करके आपको एक साथ एक ही वीडियो में जो 5 से 10 भैंसे 50 भैंसे तक जो दिखाने का काम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो हम एक युवा पशुपालक हैं, काफ़ी हम कहेंगे सोशल मीडिया का फेमस चेहरा, आज ये दो जोटियां दिखा रहे हैं। सबसे पहले जो ओनर है उनसे मिलवाएंगे। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भी भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार स्क्रीन पे देख पा रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। साथ में जो भाई फेसबुक पेज पे देख पा रहे हैं वो पेज को भी लाइक करें, ताकि वहाँ भी वीडियोज आपको मिलती रहें। तो काफ़ी शानदार क्वालिटी का ये पशुधन जिस ओनर के पास है, सबसे पहले उनसे आपको मिलवाते हैं और पशुधन के बारे में भी डिटेल से जानेंगे। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब अपना शुभ नाम बताइए। एपी। और गांव? तहसील कौन सी लगती है? जिला जज्जर। तो अपना जो गांव है वो कौन से रोड पे पड़ता है? बेरी से थोड़ा साइड में, कलान और रोड से। तो आज दो ही जोटियां दिखा रहे हो। शुरुआत करें पहले ब्यांत की जोटी से। भाई साहब इसकी क्या डिटेल है? ये भाई साहब 3 साल जी, पहले ब्यांत की। जी जी जी। दांतों में कैसे है? अच्छा, घर की तैयार की हुई है। 3 साल की एज बता रहे हैं भाई। और अभी कितना टाइम हो गया बच्चा दिए? 12 दिन। साथ में कटड़ा या कटड़ी? कटड़ा। एक बार इसको खोल लो। आज मौके पे कितना दूध तैयार है? 12 किलो दूध तैयार है। और इसकी जो माँ, जो मदर थी आपके पास, उसने कितना दूध निकाल रखा था? फर्स्ट टाइम में 15+ दूध निकाल रखा है। 3 साल इसकी एज है और ये देख सकते हैं काफी जो हम कहेंगे शानदार जो क्वालिटी की जोटी, बिल्कुल छोटे सींग की पहले ब्यांत की जोटियां हैं। उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि हर कोई पशुपालक चाहता है कि हम लंबे टाइम तक जो पशुधन है उसको रखें। तो इसमें संभव है कि पहले ब्यांत की जोटियां हम खरीदें। और फर्स्ट टाइमर की एक स्पेशल डिमांड रहती है, बिल्कुल छोटा सींग, साइज हम कहेंगे काफ़ी अच्छा, बिल्कुल गठीले शरीर की। और बात करें इसकी आर्डर की, तो आर्डर जोटी ने काफ़ी शानदार विकसित किया है। पहले ब्यांत की जोटियां, इतना आर्डर काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगा। साथ में इसकी जो नीचे से दिखाना चाहेंगे, जो टीच की क्वालिटी है बहुत ही शानदार। 12 किलो दूध आज मौके पे तैयार। और जो चेहरे की बनावट है ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल हम कहेंगे शो क्वालिटी का इसका जो फेस वैल्यू है वो। और साथ में जो काफ हम आपको दिखा रहे हैं ये देखिए, मेल काफ साथ में है। तो लगभग किस दूध की उम्मीद हो रही है भाई साहब? जोटी कितना दूध निकाल देगी? 15 किलो। और चुवाई कैसी है इसकी? चाहे कोई भी निकाल ले, मान लो पहले ब्यांत की थोड़ा पैर वैर हिलाना, कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्कुल शांत स्वभाव की है और पीठ पुट्ठा काफी चौड़ा। आप यहाँ से जोटी का साइज है उसका आंकलन कर सकते हैं। पीछे से काफ़ी चौड़ी, आगे से बिल्कुल पतली। और जो HF या जर्सी गाय होती है उनमें ये आर्डर क्वालिटी आपको मिलेगी। जब जोटी आगे दूध पे 15 किलो दूध पे जाएगी, या फिर हम बात करें दूसरे ब्यांत में पहुंचेगी, उस टाइम इतना भयंकर लेवा बना लेगी कि चलने में भी ठीक से मैले से लग गया। कड़िया मैले से आज लग चुकी है। पहले ब्यांत की जोटियाँ 40 से 45 दिन तक दूध जो है बनाने में सक्षम होती हैं। और ऐसी जोटी आपको काफ़ी कम कैमरे के सामने देखने को मिलेगी। एक और ये इसके बारे में बताएं भाई साहब, इसकी क्या डिटेल है? जी कितना टाइम हो गया बच्चा दिए? और इसमें आज मौके पे कितना दूध है? 14 किलो। जहाँ ये घर की या खरीदी हुई है? पिछले ब्यांत की क्या डिटेल है, कितना दूध निकाला था? इसके साथ में काफ क्या है?
मेल काफ खोलना भाई साहब इसको भी, ये देख सकते हैं आज मौके पे 14 किलो दूध इसमें तैयार है। दूसरे ब्यात की जोटी, और एक चीज मैं बार बार दोहराने की कोशिश करता हूँ, सेल परचेज या पशुधन आपको करने वाले काफी मिलेंगे, लेकिन जिस हिसाब से भाई का नाम सोशल मीडिया पे इनकी काफी वीडियोज आ चुकी हैं, उस हिसाब से सिलेक्शन बोलता है। आप देख सकते हैं साइज इसका भी काफी अच्छा, और दोनों पशुधन हैं वो क्वालिटी के मामले में हम कहेंगे बेजोड़ हैं। नीचे से जो अडर का साइज दूसरे ब्यात के हिसाब से सींग भी काफ़ी सुंदर है, और लंबाई ऊंचाई इसकी भी काफ़ी अच्छी। नीचे से दिखाना चाहेंगे जो इसकी अडर क्वालिटी है, देखिए टाइट अडर की है, टाइट अडर के पशु ज़्यादा दूध निकालने में आपको सक्षम मिलेंगे। साथ में जो आप इसके दूध के जो कूप्स देख पा रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल जो मूठी आकार के बोलते हैं, क्योंकि बड़ा थन अगर लंबा थन होगा तो जो पक्के पे जब पशु बैठता है तो उसमें मस्टाइटिस वगैरह की दिक्कत आना आम बात है। और ये देखिए साइड से आपको दिखाना चाहेंगे, बहुत ही बेहतरीन सिलेक्शन। टेल में तकरीबन नीचे से 2 इंच तक वाइट होगी, बाकी जो बाल है 2 इंच भी नहीं मिलेगी इस भैंस की, तो इतने जो बाल हैं वो लंबे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके साथ में जो काफ है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं सामने जो मेल काफ, ये इसकी कितनी उम्मीद कर रहे हो, कितने दूध तक जाएगी? 18 किलो दूध की बिल्कुल जी जी, पशु सेट होने पे भी बात है बिल्कुल। आज अगर 14 किलो दूध है तो उम्मीद हम कर भी सकते हैं। अभी फिलहाल दाने में क्या क्या दे रहे हो इनको? बिंदोड़े की खड़े, कणक वगैरह लेपटी लाटी बना के कुछ नहीं अभी, तो बिल्कुल सिंपल डाइट में इतना दूध निकाल रही है। बिल्कुल पतली चमड़ी की पीठ आप दोनों भैंसों की देख सकते हैं, क्योंकि किसी भी मुर्रा पशुधन के लिए, अच्छे और दुधारू पशु के लिए पीठ है वो काफ़ी मैटर करती है, क्योंकि सिस्टम सारा सेट पीठ से चलता है जो दूध वाला पशु होगा। बाकी जो इसके अडर में नसें आपको दिखाई पड़ रही हैं, एक दुधारू पशु को प्रमाणित करती हैं। साथ में जो एक तेज इनके चेहरे में आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी बार पशुधन मायूस रहता है, लेकिन दोनों जोटियां काफ़ी एक्टिव, क्योंकि पहले और दूसरे ब्यात की यंग जोटियां हैं, तो ये पशुधन बिक्री के लिए उपलब्ध है। भाई का जो संपर्क सूत्र है वो जानना चाहेंगे, संपर्क नंबर बताएं भाई साहब। मोबाइल नंबर 705 706 22 22 22। तो रेट वगैरह के बारे में क्या कहना चाहेंगे अप्पी भाई? मौके का जिस हिसाब से दूध का इम्प्रूवमेंट दिखाती है उसी हिसाब से रेट करोगे। तो कोई भी भाई इस पशुधन को खरीदना चाहता है, एक साथ इतने शानदार पहले और दूसरे ब्यात की जोटियां भाई ने दिखाई, काफ़ी अच्छा पशुधन देखने को मिला। हमारा प्रयास अच्छा पशुधन लेके आए, क्योंकि वीडियोस में रेगुलर आपको अच्छी क्वालिटी का पशुधन दिखाने के कारण आज यादव डेयरी फार्म है वो काफ़ी पसंद किया है आप भाइयों ने। ये नगीना जोटी भाई के पास पहले ब्यात की 3 साल एज है, बिक्री के लिए उपलब्ध है। कोई भी भाई किसी भी तरह के अदर डिटेल जानना चाहता है, हैप्पी भाई का जो नंबर है वो रेगुलर चल रहा है। साथ में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई भी ऑनलाइन खरीदता है तो हम श्योरिटी कर सकते हैं कि भाई के अकाउंट में अगर आप पेमेंट ट्रांसफ़र करते हो तो आपका पशुधन पहुँच जाएगा। बाकी कोई भी पशुपालक अपना पशुधन खरीदे, देख के जाँच के खरीदे, काफ़ी बार हम वीडियोज़ कवर करते हैं और वहाँ पर पेमेंट लगाने के बाद पशुधन दूसरा बेच दिया या ऐसी समस्या आ जाए तो उससे बचने का प्रयास करें। ये जोटी आप देख सकते हैं बिल्कुल ठंडे स्वभाव की जोटी, आराम से जुगाली कर रही है, और ऐसी जोटी शायद आपको पहले ब्यात की देखने को मिले जिसमें संपूर्ण जो सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि किसी में अडर क्वालिटी है तो सींग नहीं मिलेगा आपको, सींग की क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो कोई भी भाई ये पशुधन खरीदना चाहता है या वीडियोस देख रहे हैं, अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, ताकि जो युवाओं को अपनी वीडियो के जरिए आगे लेके आने का हमारा प्रयास है उसमें ये वीडियो हम युवा पशुपालक हैप्पी भाई के यहाँ से गांव मांगावास डिस्ट्रिक्ट जज्जर से लेके आ रहे हैं, अपने खुद के डिस्ट्रिक्ट जज्जर में ये पशुधन बिक्री के लिए उपलब्ध है। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए हम धन्यवाद करते हैं, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।